हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीएल बैंक का आप जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो। आपको इसमें वर्चुअल कार्ड, इसका मोबाइल बैंकिंग, इसका जो भी एटीएम कार्ड वगैरह है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा। सो किस तरह से ओपन करना है और क्या इसका प्रोसेस है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में जो है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। देन यहाँ पे गूगल में आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है आरबीएल बैंक, आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद देन यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएंगे आरबीएल बैंक, www.rblbank.com। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसके वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुँच जाओगे। देन इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट पर आ सकते हो। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको इसे वेट कर लेना है, इसे लोडिंग होने का। देन यहाँ पे मेरा डाटा काफ़ी स्लो है, इसलिए यहाँ पे ये स्लो ही ओपन हो रहा है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ पे नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है कि देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप इसका अकाउंट ओपन करना चाहते हो ज़ीरो बैलेंस वाला, तो यहाँ पे आपको गो अकाउंट जो है कि देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप नो मोर पे क्लिक करके इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो, और यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से नो मोर पे क्लिक करके इसका डिटेल वगैरह आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे आपको बताऊँगा। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गो अकाउंट जो कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, फ्री में आपको प्रीमियम गो डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ओपन नाउ वाला बटन पर क्लिक करना है। सो चलिए मैं यहाँ पर ओपन नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिर सब फ्री, यहाँ पे वन टाइम के लिए आपको जो है कि सब कुछ फ्री में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री वाउचर जो है कि 1500 का देखने को मिल जाते हैं। इस अकाउंट को आप ज़ीरो बैलेंस में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेटिनियम का डेबिट कार्ड भी देखने को मिल रहा होगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ओपन गो अकाउंट पे क्लिक करना है, या फिर इसका आप मल्टी बेनिफिट और वन अकाउंट को देख सकते हो। तो इसका फीचर ये है कि ये अकाउंट जो है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको फ्री में प्लेटिनियम का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इसमें फ्री में सिबिल रिपोर्ट भी देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर फ्री साइबर इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्री एक्सीडेंटल ट्रेवल इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ज्वाइनिंग फ्री वाउचर भी देखने को मिल जाते हैं, फ्री में इंटरनेशनल कैश विड्रॉ आप कर सकते हो यहाँ पे। साथ में आप यहाँ पे फ्री बैंकिंग फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ में इस अकाउंट को इंस्टेंट ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। आपको अकाउंट नंबर वगैरह इंस्टेंट मिल जाएंगे, फ्री में आपको वर्चुअल भी डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप ओपन नाउ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ओपन गो अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में दिख जाएंगे KYC, पर्सनल डिटेल, ज्वाइनिंग फ्री, उसके बाद यहाँ पे आपको डन। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है और इन सभी बॉक्सों में टिक मार्क करनी है। देन मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल है। और यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर इंटर करोगे वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ जो है कि लिंक होना चाहिए, तो ही आप यहां से ओपन कर सकते हो। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहां पे इंटर कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहां पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे येस बैंक कैन कॉन्टेक्ट मी, या फिर नो बैंक माई नोट कॉन्टेक्ट। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी कर देता हूँ। देन उसके बाद येस बैंक कॉन्टेक्ट मी, और यहाँ पे नो आई डोंट कॉन्सेंट शेयर।
तो मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कर दिया है। देन आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इसे ओके प्रेस करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस पर आपको OTP कोड भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अगर आपको OTP कोड नहीं मिलती तो यहाँ से आप रिसेंड OTP पे क्लिक करके आप अपने OTP कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ OTP कोड आने का। सो फाइनली मेरे मोबाइल नंबर पे जो है कि OTP कोड आ चुका है, तो मैं अपना OTP कोड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। अगर आपको OTP कोड नहीं मिलती तो यहाँ से आप रिसेंड OTP पे क्लिक करके आप अपने OTP कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। तो ये सेकंड ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे रिसेंड कर सकते हो। चलिए मैं अपना कोड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना OTP कोड इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा 10 डिजिट का। चलिए मैं अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर कर दिया है। देन यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करनी है एंड यहाँ से आपको इसे ओके कर देनी है टर्म एंड कंडीशन को। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका टाइटल वगैरह आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड पे ऑटोमेटिक दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम इंटर कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंटर कर रखा है। यहाँ पे आपको अपना मदर का फुल नेम इंटर करना है। देन यहाँ पे आपका जेंडर जो है कि ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंटर करके रखा है। देन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इंटर CKYC डिटेल। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे क्लिक करके आप मैरिड या फिर अनमैरिड अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैरिड ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे स्पाउस नेम। तो यहाँ पे आपको अपना स्पाउस नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह है, सब कुछ आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस वगैरह है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस सेम। तो यहाँ यदि आपका एड्रेस कम्युनिकेशन सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क कर देनी है। यदि अलग है तो उस वाले एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद सारा डिटेल को मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेलेक्ट रिटायर्ड, हाउस वाइफ, प्रोफेशनल या फिर अनएम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे आप मैं इसे नील ही रहने देता हूँ। यहाँ पे कंपनी नेम भी मैं यहाँ पे नील रहने देता हूँ। ऑक्यूपेशन में मैंने हाउस वाइफ सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से कुछ और भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सोर्स इनकम, डिपेंडेंट इनकम यहाँ पे आपको दे देनी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है या फिर डिपेंडेंट, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका ग्रोस एनुअल इनकम क्या है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे आपका जो भी कैश है ट्रांजेक्शन एक साल के लिए यहाँ पे आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एक्सेंट नंबर कैश ट्रांजेक्शन 1 ईयर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 रहने देता हूँ। देन उसके बाद इन सभी बॉक्सों में जो है कि आपको टिक मार्क कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है कि सभी बॉक्सों में जो है कि टिक मार्क कर देनी है। मैंने यहाँ से आपको एग्जांपल टिक मार्क हटा के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से टिक मार्क कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
देन उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड यू लाइक टू एडिट नॉमनी, तो मैं यहाँ पे नॉमनी को बाद में ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे आई विल डू लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हो नॉमनी को। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है, आपका फ़ोटो वगैरह, आपके आधार कार्ड वाला सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगे। तो अगर लगता है कोई भी डिटेल आपसे छूट गया है, मिसमैच हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो रिव्यू अकाउंट डिटेल यहाँ पे पेंशन वाले आइकन पे क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पर्सनल डिटेल, तो इसमें भी कोई गड़बड़ी है या फिर दिक्कत है तो यहाँ पे पेंशन वाले आइकन पे इसे एडिट कर सकते हो क्लिक करके। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करनी है नीचे में, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है इंटर एम्प्लाई कोड, तो एम्प्लाई कोड आपके पास है तो दे भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से इसे स्किप कर सकते हो। एंड स्किप करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पे आपसे ओरिजिनल पेन कार्ड, ब्लैंक पेपर एंड पेन, यहाँ पे इनेबल कैमरा आपको करना होगा, यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी माइक्रोफोन है वो भी इनेबल कर देनी है, लोकेशन का परमिशन को भी आपको इनेबल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करके इसका वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से आई विल डू लेटर पे क्लिक कर सकते हो। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो यदि आप इस अकाउंट में मिनी केवाईसी रखते हो तो अकाउंट का लिमिट जो है कि 1,00,000 तक का आप यहाँ पे कर सकते हो। यदि आप फुल केवाईसी करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट जो है कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे अनलिमिटेड आप यहाँ पे रख सकते हो इस अकाउंट में। यहाँ पे आप जो है कि टोटल क्रेडिट अलाउड में आपको यहाँ पे 2,00,000 का मिनी केवाईसी देखने को मिलते हैं। यदि फुल केवाईसी करते हो तो नो लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट का वैलिडिटी 12 मंथ के लिए रहेगा। यदि आप फुल केवाईसी करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कि लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा ये अकाउंट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मिनी केवाईसी रखना चाहते हो या फुल केवाईसी, फुल केवाईसी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आप वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट करके आप यहां से फुल केवाईसी इसका कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां पे आप क्लिक करके यहां पे वी आर लुकिंग फॉर एन एजेंट टू कंटिन्यू, तो यहां पे कोई ना कोई एजेंट जो है कि कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहां से वीडियो कॉल को शुरू करके आप यहां पे वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता दिया है, तो इस तरह से आप इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।